अच्छा, क्योंकि एक और पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कैसे करें, आज की वीडियो में लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमने क्रोम ब्राउजर ओपन कर लिया है, आप जो भी ब्राउजर चलाते हैं उसे ओपन कर सकते हैं। जैसे आप ओपन करेंगे, ओपन करते हैं आपको ऊपर सर्च बार में वेबसाइट का नाम टाइप करना है। वेबसाइट का नाम है a2zteaching.com। नाम डालेंगे स्क्रीन के ऊपर, आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन होते ही आपको सेकंड नंबर पर पोस्ट दिखाई देगी, घटना चक्र जीएस पॉइंटर पॉलिटी बुक पीडीएफ डाउनलोड। अगर ये आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देती तो सबसे आसान तरीका है, आप इसको सर्च बार में डालिए पूरा का पूरा नाम, और यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जब सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोस्ट दिखाई देगी। जैसे आपके सामने पोस्ट दिखाई देगी तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पोस्ट ओपन हो जाएगी, और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए फिर से आपको स्क्रॉल बार का सहारा लेना पड़ेगा, नहीं डाउन आना पड़ेगा। जैसे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई देगा। आप जैसे दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव में जो पीडीएफ है वो अपलोड होकर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो होने वाली है, और इस पीडीएफ को आप यहाँ साइड में दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। पीडीएफ अभी अपलोड हो रही है। आप देखेंगे पीडीएफ अपलोड हो गई है, इसको यहाँ साइड में दिए गए डाउनलोड वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे।